जी मेरे किसान दोस्तों, जो मैंने आज आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना है वो है गुलाबी सुंडी का तदारुक, कि पिंक बॉलवर्म को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट तरीके हैं पिंक बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए। जो ये जो टेक्नोलॉजी होती है, IPM टेक्नोलॉजी होती है, वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादातर इफ़ेक्टिव होती हैं। तो सबसे जो आसान तरीका वही है कि हम केमिकल स्प्रे पे ना जाएं, तो दूसरी चीज़ों से कंट्रोल लें। जो हमारे कपास है, कपास को जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला एक, जिसे हम चोर कीड़ा कहते हैं, ये है गुलाबी सुंडी। गुलाबी सुंडी डिफरेंट तरीक़ों से इफ़ेक्ट करती है कपास की रोई को, यानी कि ये बड़ी बुरी तरह से मुतासर करती है। जब ये हमला करती है तो तकरीबन 20 से 60% तक फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो केमिकल तरीके से अगर आप कंट्रोल ले रहे हैं, तो केमिकल सिर्फ 20% यानी कंट्रोल करता है, बाकी 80% जो है ना, यानी 80% जो कंट्रोल मिलेगा वो आपको मैकेनिकल तरीक़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से कंट्रोल मिलेगा, केमिकल स्प्रे से कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो केमिकल कंट्रोल के अलावा जो तरीके हैं वो है PB रोप्स, गॉसिप्लोर, फेरामोन ट्रैप्स, सेक्स फेरामोन ट्रैप्स इस्तेमाल करते हैं हम। तो सेक्स फेरामोन ट्रैप की ये पिक मैं डालूँगा, यहाँ मैं दिखाऊँगा कि सेक्स फेरामोन ट्रैप कैसे काम करते हैं, ये लुकिंग वाइज कैसा होता है सेक्स फेरामोन ट्रैप। सेक्स फेरामोन ट्रैप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये डिफरेंट कलर के होते हैं। तो ये वाली जो पिक मैं दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर में ये है येलो कलर का है, यानी पीले कलर का है। तो दूसरी पिक्चर में मैं कोशिश करूँगा, ये डालने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें PB रोप्स। PB रोप्स क्या होती हैं, वो फसल में कैसे लगाते हैं पिंक बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गुलाबी सुंडी का केमिकल कंट्रोल। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं केमिकल कंट्रोल में, जो मैं केमिकल बताने जा रहा हूँ वही केमिकल इस्तेमाल करने हैं। तो वो केमिकल के से हट कर कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले जो गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए केमिकल यूज़ करेंगे, तो वो है स्पैनोसेड 240 SC, भाई साहब 50 ML, और जो दूसरा केमिकल है स्पेंटोराम 120 SC, भाई साहब 100 ML। जो नेक्स्ट केमिकल आप यूज़ करेंगे वो है सब टैटोराम 250 WG, भाई साहब 40 ML पर एकड़। गैमा साइहेलोथ्रीन 250 WG, भाई साहब 100 ML। ट्राई एजोफास 140 SC, 100 ML। और जो आप नेक्स्ट केमिकल इस्तेमाल करना है वो सेपरमेथ्रीन 10 SC, 365 333 ML। और जो दूसरा केमिकल हमने लिस्ट में शामिल किया है, जो नेक्स्ट केमिकल जो हमने इसमें शामिल किया है, वो डेल्टा मैथ्रीन 2.5 SC, 300 ML, ट्रेलो मैथ्रीन 2.5 SEC, 80 ML, और फेनोलेट 20 EC, 265 250 ML पर एकड़। तो ये जो केमिकल की लिस्ट मैंने बताई है, ये आप नोट कर लें। तो जब भी केमिकल इस्तेमाल करना है तो इन केमिकल में से इस्तेमाल करना है, जो दूसरे केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं करें। हाँ, इसमें एक केमिकल मेंशन नहीं है, वो बेफेंथ्रीन है। बेफेंथ्रीन भी आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है गुलाबी सुंडी कंट्रोल करने के लिए। ये जो केमिकल का आप स्प्रे करेंगे या केमिकल से कंट्रोल लेंगे, ये बड़ा ही मुश्किल कंट्रोल होता है, क्योंकि ये चोर कीड़ा है, पता नहीं चलता कि हमने कब केमिकल इस्तेमाल करना है और कब केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है इसे। तो बेहतर यही है कि आप दूसरे किसी कंट्रोल लें, क्योंकि ये केमिकल कंट्रोल सिर्फ 20% कंट्रोल देता है। 100 में से सिर्फ 20% केमिकल कंट्रोल से मिलेगा, और यही केमिकल आपने इस्तेमाल करना है। कोई एक्स्ट्रा केमिकल, यानी कि कोई दूसरे केमिकल यूज़ नहीं करने। हाँ, मे भी आपको कोई अच्छा, यानी महकमा ज़रात वाले कोई बताएं कोई अच्छा, यानी कि इनसे ज़्यादा केमिस्ट्री वाला केमिकल है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो तब आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।